एंड वेलकम टू माय चैनल मसाई एकेडमी, दिस इज हिमांशु। आज के इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं कुछ और फार्मा रिगार्डिंग वैकेंसीज के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं, फार्मा रिगार्डिंग जितनी भी आपकी नोटिफिकेशन अपडेट आती है, सारी वैकेंसी की अपडेट मिलती है आपको हमारे चैनल अमर सायर एकेडमी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन में गवर्नमेंट की एक परमानेंट जॉब आई है सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर की। काफ़ी सीनियर पोस्ट है, इसकी क्या एलिजिबिलिटी है इसके बारे में बात करेंगे। और नेक्स्ट हम बात करेंगे, जैसे कि आप जानते हैं कुछ दिनों पहले हमने बताया था PGI चंडीगढ़ में यहाँ पे फार्मासिस्ट की वैकेंसी है। इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा एक और यहाँ पे वैकेंसी है जिसमें कि फार्मेसी कैंडिडेट एलिजिबल है, तो कौन सी वो वैकेंसी है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और लास्ट में डिस्कस करेंगे, जो भी स्टूडेंट काफ़ी सारे बोल रहे थे कि सर मेरा क्वालिफिकेशन बी फार्मा है और मुझे इस वैकेंसी का फॉर्म भरना है, तो यहाँ पे ऑप्शन ओनली फॉर डी फार्मा बता रहा है, बी फार्म नहीं बता रहा है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको बताया गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन में यहाँ पे वैकेंसी है, गवर्नमेंट की ये वैकेंसी है, सीनियर पोस्ट है काफ़ी, तो इसकी क्या एलिजिबिलिटी है इसके बारे में टोटली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन मेडिसिन साइंस और फार्मेसी, मतलब कि आपका एम फार्मा होना चाहिए या फिर और फार्म डी जो है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। और इसी के साथ क्या लिखा हुआ है, देखिए एसोसिएटेड डिप्लोमा इन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल ऑब्टेन्ड बाय द पासिंग एग्जामिनेशन विद एनालिसिस ऑफ ड्रग फार्मास्यूटिकल इन वन सब्जेक्ट, मतलब आपने अगर कोई डिप्लोमा किया जिसमें कि एनालिसिस ऑफ ड्रग का एक सब्जेक्ट जो है वो आपका होना चाहिए। यहां तक तो दो क्वालिफिकेशन है, ए और बी। बी में क्या है, देखिए 5 ईयर एक्सपीरियंस फील्ड टेस्टिंग ऑफ एटलीस्ट वन सब्सटेंस स्पेसिफिक शेड्यूल सी जो है वो आपका होना चाहिए एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945। ठीक है जी, तो 5 साल का एक्सपीरियंस विथ एम फार्मा या फार्म डी जो है वो मांग रहे हैं। काफ़ी सीनियर पोस्ट है, सीनियर लेवल की पोस्ट है, 2 पोस्ट है बेसिकली और एक अच्छी खासी इसकी गवर्नमेंट की ये जॉब है। ठीक है जी, तो जो भी स्टूडेंट काफ़ी टाइम से जो इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं जिनका एम फार्म है, तो उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट सेक्टर में आने की। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जैसे कि आप जानते हैं PGI चंडीगढ़ में यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन जो है इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, फार्मासिस्ट की वैकेंसी, कितनी वैकेंसी है, क्या वैकेंसी है, सारी डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, ये वाली जो वैकेंसी है फार्मासिस्ट की, अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही थी देखिए इसके बारे में भी मैं बात करूंगा। सबसे पहले बता देता हूँ एक और कौन सी वैकेंसी है जिसमें कि फार्मेसी कैंडिडेट एलिजिबल है। नंबर 10 पे आप देख पा रहे हैं सुपरिटेंडेंट CSSD लेवल 7 सीनियर पोस्ट है, ये 18 से 35 साल इसकी एज लिमिट है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं देखिए और मैं फार्मेसी कैंडिडेट जो है वो भी यहाँ पे एलिजिबल है, अगर आपको 5 ईयर का एक्सपीरियंस है इन फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनाइजेशन या फिर आपको किसी हॉस्पिटल में जिसमें 300 बेड है एटलीस्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपीरियंस है एटलीस्ट 5 ईयर का, और अगर आप बी फार्म पास आउट है, देन यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट सुपरिटेंडेंट CSSD। ठीक है जी, समझ में आ रही बात। तो इसके बारे में हम बात कर चुके हैं फार्मासिस्ट की वैकेंसी। इसके अलावा जब उस नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ा तो काफ़ी सारी ऐसी एलिजिबिलिटी थी, तो इसमें फार्मेसी कैंडिडेट भी एलिजिबल थे, तो इसको भी मेरे को बताना जरूरी था। ठीक है जी, तो यहाँ पे फार्मासिस्ट की मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या रही थी इस वैकेंसी के बारे में बात कर रहा हूँ फार्मासिस्ट की, काफ़ी सारे स्टूडेंट बोल रहे थे सर यहाँ पे डिप्लोमा इन फार्मेसी जो है और डिग्री दोनों ही एलिजिबल है। जी हाँ, दोनों एलिजिबल है। जब हम फॉर्म भरते हैं सर इसका, तो फॉर्म भरने में ओनली फॉर डिप्लोमा ही आ रहा है, तो उन सभी को मैं कहना चाहूँगा देखिए ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी लिंक मैं डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब यहाँ पे देखिए फॉर्म तो मैं एज ए स्टूडेंट नहीं भर पा रहा हूँ, तो जैसे आप स्टूडेंट की तरफ से ये फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया था हेल्प डेस्क ईमेल एड्रेस या फिर आपका हेल्प PGI ईमेल एड्रेस या फिर फ़ोन नंबर जो है यहाँ पे लिखे हुए। तो देखिए जो भी स्टूडेंट बी फॉर्म पास आउट है और जिनको ऑप्शन नहीं मिल रहा है कि फॉर्म कैसे करना है, तो आप लोग जो है यहाँ पे मेल कर सकते हैं, है ना। ये हेल्प डेस्क मेल जो है वो इसीलिए रखा गया है कि जो भी स्टूडेंट नीडेड है, मतलब जिनको नीड है कि किस हिसाब से यहाँ पे हम जो फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि आप बता रहे हैं जैसा कि ऑप्शन नहीं बता रहा है सर कि बी फॉर्म पास आउट है, हम डी फॉर्म पास आउट है, तो यहाँ पे आपको हेल्प डेस्क पे मेल करना पड़ेगा प्रॉपर वे में कि भाई ये हमें प्रॉब्लम आ रही है सर, इसका सॉल्यूशन क्या है, तो डेफिनेटली आपको इसका जवाब जो है मिलने ही वाला है। तो इसकी लास्ट डेट जैसे कि आप जानते हैं फार्मासिस्ट की परमानेंट सेंटर की जॉब है ये 22 सितंबर, तो उससे पहले पहले आप इसको एक्शन जरूर करें, और जैसे ही आपको इसका सॉल्यूशन मिलता है
तो आप कमेंट में जरूर लिखें ताकि और भी स्टूडेंट को भी ये हेल्प हो सके। चलिए, कैसा लगा इन्फॉर्मेशन जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ऐसे इन्फॉर्मेटिव फार्मेसी न्यूज अपडेट, वैकेंसी अपडेट, वीडियो लेक्चर्स, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।